2047 तक यदि डेवलप बनना है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है स्वच्छता की है। स्वच्छता रहेगी तो तभी जो है कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि स्वच्छता के बिना हम यदि कहें कि कुछ हम कर पाएंगे, कोई टेक्नोलॉजी कुछ आके कुछ कर देगी, कुछ नहीं करेगी जब तक हम लोग जो है स्वच्छता को नहीं अपनाएंगे। तो ये स्वच्छता को अपनाने के लिए, सफाई को अपनाने के लिए ये आप लोगों के लिए एक घंटा जो है आपसे दिया है, तो चाहे कहीं भी हैं इसको आप एक घंटा लगाइए इसमें, और हम सभी लोग आपके साथ लगेंगे। हम टीचर्स हैं चाहे नॉन टीचर हैं, जो सभी लोग इसमें शामिल होंगे, और आपसे उम्मीद करते हैं कि ये घंटा जो एक घंटा लगाएंगे ये आपके याद रहेगा और पूरा साल याद रहेगा, ताकि जो है अपने जो चाहे कार्य क्षेत्र हो कहीं पे भी हो अपने आप को वहाँ पर स्वच्छता में कर सकें, कम से कम अपने अपने आवेशी जो है सुंदर बनाइए, तभी जो है हम जल कंट्री जो है बन पाएंगे। जो सपना जो सभी सरकार हो सकता है यदि हम इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कोई प्रधानमंत्री या कोई भी पार्टी कोई कुछ नहीं कर सकती है जब तक हम सभी लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। सभी लोग पर्यावरण में और स्वच्छता में हम सभी लोग शामिल होंगे, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोग जो आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें कार्य में शामिल करना चाहिए। फटाफट अपने आपको धन्यवाद। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता क्यों कहा जाता है? जहाँ नारी होती है वहाँ स्वच्छता भी होती है। आप याद करें, अब तो हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। काम वाली आएगी तो घर में झाड़ू पोछा होगा, नहीं तो वो पड़ा रहेगा। अगर आप में से कुछ जो बड़े होंगे याद करें तो कच्चा घर होता था तो लीपा पोता सुबह ही सुबह जाता था, पक्का होता था तो सुबह झाड़ू लग जाती थी, पोछे तो बाद में आए हैं, लेकिन सफाई हमेशा पहले होती थी, उसके बाद दिनचर्या आरंभ होती थी। अब हमने वो काम औरों पर छोड़ दिया, इसलिए सब तरफ गंदगी दिखती है और देश को सोचना पड़ा। सोचिए, जैसा सर ने अभी कहा, डेवलप्ड कंट्री में हम जाते तो क्या दिखता है? एकदम साफ सुथरी सड़कें, रात भर काम होता है और सुबह सड़क आपको साफ मिलती है। हमको सिर्फ अपने देश को अब थोड़ा सफाई की ओर ध्यान देना है। और एक बात और कहूँगी, ये सफाई केवल ज़मीन की सफाई नहीं है, मनों की भी सफाई करनी है, दिलों की भी सफाई करनी है, क्योंकि सफाई सभी जगह से आती है। जिसका मस्तिष्क और हृदय स्वच्छ होगा वो अपने आसपास के वातावरण को साफ रखेगा। और मुझे लगता है सर, ये एक जो घंटा बनाया है इसका उद्देश्य एक और भी है, जो सफाई कर्मचारी हमारे हैं वो कितना कठिन काम करते हैं, ये बात हम सब समझ पाएंगे जब हम स्वयं इस काम करेंगे। For a special occasion, Swachhata Hi Seva is an initiative under Swachh Bharat Mission. Swachhata Hi Seva campaign is being celebrated from 15th September to 2nd October this year under the aegis of joint aegis of Drinking Water Department of Drinking Water and Sanitation and Ministry of Housing and Urban Affairs for undertaking Shramdaan activities. The aims of these activities are to generate Jan Andolan through community participation, to provide impetus on implementation of Swachh Bharat Mission, to disseminate the importance of Sampoorn Swachh Village, to reinforce the concept of sanitation as everyone's business, and as a prelude for the Swachh Bharat Divas 2nd October with nationwide participation. स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगी। मैं आज जो शपथ ले रही हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगी, वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगी। मुझे मालूम है कि thank you.
माता की जय। भारत माता की जय। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तरह से पूरा कार्यक्रम देखते हैं आप? देखिए ये बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम है, एक तारीख एक घंटा। इसका आज एक घंटा ही नहीं, ये 15 सितंबर से हम शुरू हुए हैं। हम आइडेंटिफिकेशन और सब चीज़ों का कहां कहां काम करना है उसको हम देख रहे हैं, चाहे वो सामान उठाने का हो, चाहे स्पेस खाली करने का हो, सुविधाओं का और फाइलों का भी है जो पेंडिंग है उनको भी हम देख रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये एक घंटा जो एक तारीख एक घंटा जो दिया है सभी को, जिसमें कहते हैं कि जन भागीदारी हो, विद्यार्थी हमारे साथ हैं सारे और भी लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, इसमें जो है सभी को एक तरह का ये कहा जा रहा है कि आप अपना एक घंटा दीजिए। और हमने शपथ दिलाई है कि तभी हम, मुझे लगता है कि हमारा परिवार जो है, सभी के परिवार जो है स्वस्थ रह पाएंगे। और ये एक बहुत भारी, मैं समझता हूँ कि कंट्रीब्यूशन होगी कि कैसे हम अपने भारत को एक विकसित देश की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ हम सभी लोग जो आज आए हैं हमारे साथ, विद्यार्थी शिक्षक गैर शिक्षक कर्मचारी जो आए हैं और जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, सर उनका बहुत बहुत धन्यवाद।